सर आवाज नहीं आ रही। सर आप जो बोल रहे हो उसकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ हाँ, वो गलती से म्यूट था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलो ठीक है ठीक है। नाउ आई गॉट इट। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड जॉइनिंग अस, है ना। तो यस्टरडे आई गॉट रिस्पांस टू दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर थिंग, एंड वाज अ नाइस रिस्पांस। नाइस इन द सेंस कि ज्यादातर लोगों ने करेक्ट आंसर तो दिया ही है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट अलग अलग मेथड से भी किया है, दैट्स अ गुड थिंग, है ना। अलग अलग मेथड से किया गया, सो दैट इज अ गुड थिंग, इजंट इट। एंड एक आध में मिस्टेक थे, और बेस्ट पार्ट इज दैट मिस्टेक पता चल गया था कि मिस्टेक है, सो लाइक इट वाज इन आस्किंग मोड, इसमें मिस्टेक क्या है। इनफैक्ट देखा होगा जनरली मैं मिटा देता हूँ, बट मैंने इसको मिटाया नहीं, ठीक है ना। तो मैंने इसको एक्टिवेटेड रखा है, उसके पीछे रीजन रीजन अभी मैं समझाता हूँ। उसके पहले मैं देख लेता हूँ अगर और कोई लॉग इन है तो। चलो अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे लॉग इन कोई। तो लाइक कल जो क्वेश्चन किया गया था, बहुत लोगों ने इसको आंसर किया था एक पर्टिकुलर तरीके से, एंड दैट वाज बाय यूजिंग एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसका जो एक वो है, तरीका है, वो इसी को यूज करके भी है, पर इसमें एक चीज है और ये ना आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। सपोज अगर मैं इस मेथड से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या है, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये डिस्क है और इस डिस्क के जो वॉल्यूम है उसको इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसे बड़े सारे डिस्क मिल जाएंगे। तो यू माइट बी थिंकिंग कि एसेंशियली मैं कर क्या रहा हूँ। एसेंशियली मैं ये कर रहा हूँ कि अगर ये एक स्फीयर है तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस करते रहो, ऐसे करते, ठीक है ना। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्लाइस करते रहो, एक एक स्लाइस बहुत पतले से है, बहुत ही पतले से, ठीक है ना। तो बहुत ही पतले से है, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो इन दैट केस वाई डी वाई से भी कर सकता हूँ। जैसे ये हो गया, ये कैपिटल आर है और यहाँ पे डिस्क ले रहा हूं ऐसे करके, यू, ठीक है। और उसके बाद क्या ना, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं, ये हो गया सपोज वाई और ये हो गया सपोज डीवाई। इसी मेथड से सब लोगों ने आंसर दिया, तो मेरे पास जितने भी कल आंसर्स आए थे, मेरे पास मैसेजेस जो आए किए थे तुम लोगों ने, उसमें ज्यादातर लोगों ने क्या किया, इस मेथड से किया, और ये बढ़िया मेथड है। लेकिन आज मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, आई थिंक अब तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बसाक करके थे शायद, सम बसाक तो मुझे याद आ रहा, उन्होंने एक मेथड से किया है और उसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या ना, प्रॉब्लम क्या ना, इस व्हाट्सएप में ही आया था, जो कि फोन है यहाँ पे, तो जिस फोन पे ट्रांसमिशन चल रहा है ना उसी में व्हाट्सएप आया। अब बहुत सारे नाम है तो मुझे नाम ही नहीं आ रहा है, और कोई एक सिंक थे जो कि इस मेथड से करके करेक्ट आंसर भेज देता, तो दैट वाज अ गुड थिंग। कोई कुछ बोल रहे थे, तो मैं तब तक इसका मेथड बताता हूँ। तो ये अगर स्मॉल आर हुआ, obviously small r square will be equal to capital R square minus y square. तो ये जो disk है इसका radius होगा small r. Therefore अगर इस disk का volume निकालूंगा dv, that will be equal to pi into R square minus y square into dy. dy is the thickness of the disk. ध्यान रखना dy क्या है, thickness of the disk. बस अब इसको integrate कर लो, तो v is equal to
पाई पारी कर लो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल आर। अगर मैं जीरो से लेके कैपिटल आर तक करूंगा तो यानी यहां से यहां तक हुआ, तब तो डबल करो। एक और तरीका क्या है कि अगर इसको माइनस आर से प्लस आर करोगे, इन दैट केस डबल करने का जरूरत। ये हो गया इनके nuances, ठीक है ना, माइनस आर से प्लस आर या तो जीरो से कम या तो जीरो से कम, यही हो सकता है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो आई थिंक कल तो मैंने मेथड बता दिया था, तो ये आप सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं इसको आगे नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप कर लेना, या तो माइनस आर से प्लस आर या तो जीरो से आर का डबल, हो गया। अब आ जाओ ये वाला मेथड, इसमें एक दो नए चीजें भी है, एक दो जने ने इस मेथड से भी करेक्ट आंसर दिया है, एक दो जने ने आंसर जो दिए थे कल उसमें थोड़े से मिस्टेक थे, मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहता हूं, बट वो मिस्टेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। एक दो जने तो चलो करेक्ट दे दिया, दैट्स ओके। ध्यान रखना, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये डिस्क मान लो, तो डिस्क का रेडियस क्या है, साइन थीटा, चलो वो तो सेम ही है, यानी उसका जो एरिया होगा वो होगा पाई इंटू आर साइन थीटा होल स्क्वायर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और है। दिक्कत पता है क्या है कि ये जो आर डी थीटा है इंटू आर डी थीटा नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली आई नो कि इस पे क्वेश्चन क्या आएगा कि चलेगा क्या, है ना। तो चलो ठीक है, एक दो जने ने तो वैसे कल ही करेक्ट आंसर दे दिए थे, पर मैं फिर भी चाहता हूं कि जो है इसका करेक्ट करो, यानी पाई इंटू आर साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू आर डी थीटा की जगह क्या होगा, ये बताओ, चैट से बता दो। ओके, एक आंसर आ चुका है, दैट इज फ्रॉम अरियन जैन और श्रेयसी बशार, आर डी थीटा साइन थीटा। चलो गुड। देखो इश्यू पता क्या है इस आर डी थीटा को लेके इश्यू पता क्या है कि आर डी थीटा इज नॉट द हाइट, आर डी थीटा इज एक्चुअली दिस वन, आर डी थीटा इज एक्चुअली दिस वन, ये आर डी थीटा, और हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका हाइट चाहिए, ये वाला है, समझे ना। यानी बेसिकली क्या है कि अगर ये आर डी थीटा है, चलो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, अगर ये आर डी थीटा है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये है आर डी थीटा और मुझे ये वाला हाइट चाहिए, ठीक है ना। अब जरा देखो, ये अगर थीटा है, मैंने ये थीटा लिया था भाई, देखो या थीटा वो भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है मान लो, ये देख लो, ठीक है, ये अगर थीटा ले रहे हो, इन दैट केस क्या होगा, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा होता है, है ना। इन दैट केस क्या होगा, अगर ये आर डी थीटा हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा आर डी थीटा साइन, देख लो ये आर डी थीटा अगर हुआ तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा, ये हो जाएगा आर डी थीटा साइन। दिस इज द इंपॉर्टेंट, देयरफॉर ये आर डी थीटा ना होके ये हो जाएगा आर डी थीटा साइन थीटा, बस इतना ही। ओ वेटिंग में भी है, ठीक है, यानी आर डी थीटा साइन इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इनटू इंटीग्रेशन, है ना, वैसे तो साइन क्यूब थीटा के लिए रूल है, बट मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं फिलहाल, इतना जल्दी रूल नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन थीटा डी थीटा, इसको एक काम करता हूँ जीरो से पाई बाई टू कर देता हूँ और डबल कर दो, है ना, मेक सेंस? क्यों? क्योंकि अगर थीटा यहां से स्टार्ट करता हूं तो थीटा ये जीरो हुआ, फिर यहां पे आते आते थीटा पाई बाई टू हुआ और उसको डबल कर दो, ये भी कर सकता हूं, है नहीं? चलो गुड। यानी आदित्य माथुर, अर्यन जैन और श्रेयसी प्रसाद ने आदित्य थीटा साइन थीटा बताया, क्लैप्स फॉर यू। चलो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ना भाई ये साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक था, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों किया? अब यहां पे आके, अब यहां पे आके मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है? इसके पहले देखो जरा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सब कुछ ओके है, समझ में आ रहा है सब कुछ? एक बार चेक कर लो, अगर दिक्कत है हो रहा है तो बता दो। अगर इसको दिक्कत है तो बता दो, क्योंकि अभी ना एक्चुअल में फिगर मिटाने वाला हूं, तो फिर से ड्रॉ करने में अननेसेसरी टाइम खराब होगा। सर आर डी थीटा का ट्रायंगल बता दो। वो तो ऑब्वियसली आर क्यूब होगा, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, क्योंकि एक आर स्क्वायर और एक आर है। अब बेटे यहाँ से ट्रायंगल कैसे है, ये वाला, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखो, ये वाला, ये आर डी थीटा है, ठीक है ना? मैं एक बार एंगल्स दोबारा पॉइंट आउट करूं, देखो एंगल्स कैसे हो रहे हैं वो देखो। ये अगर थीटा होगा तो यहां से ये लाइन को प्रोड्यूस कर लो, तो ये भी थीटा होगा। अच्छा ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये लो, ये तो टेंजेंट हुआ ना, तो ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री होता है। अगर थीटा होगा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री है, ये जो ट्राइंगल है अब इस बड़े करके देखो, ये तो 90 माइनस थीटा है, तो ये तो आ गया 90 डिग्री, ये वो वाला एंगल है, ये वाला है ना 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये तो आर डी थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट क्या होता है, साइन थीटा, यानी आर डी थीटा साइन थीटा। इज दैट ओके नाउ? ठीक लग रहा है बेटे, कंफर्टेबल हो ये वाला? यस सर। नहीं है तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा, नॉट ओनली फॉर यू, आई मीन अदर्स आल्सो, ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखना कई बार इंटीग्रेशन में यही पे गलती हो जाती है कि हमें एक्चुअली इसका हाइट चाहिए और हम कई बार आर्क लेंथ लेके सॉल्व कर देते हैं और वहां गलती हो जाती है। इसलिए मैंने एक्चुअली कल ना ये एरर किसी ने पूछा था कि इसको कैसे करेक्ट करें, तो मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट एरर है, इसको क्लास में अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये एरर बहुत कॉमन एरर में गिनती किया जाता है, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, तो इसको ध्यान से देख लो। या वो अलग बात है कि ये इंटीग्रेशन अभी करना हमें नहीं है, ये वाला साइन क्यूब थीटा वाला, इसके लिए एक मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए आज एक न्यू मेथड हम लोग सीखेंगे। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, जीरो से पाई बाई टू, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन अटक रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जैसे इस केस में हम लोग पता है क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है? इसलिए देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को जानबूझ के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिया, समझ में आया? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आई होप इससे और डाउट ना हो, इससे फिगर ड्रॉ करने में बहुत है। चलो अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चैटिंग में लगा सकते, यानी डी जेड डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा डी थीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस डी जेड, ठीक है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक साइन थीटा डी थीटा दिख रहा है, तो मैं माइनस डी जेड लिखूंगा, so therefore this integration, so therefore b is equal to minus 2 pi r cube sin theta d theta हो गया minus dz, तो minus तो बाहर ही रखा, ये dz हो गया 1 minus cos square theta, cos theta तो z है, ये z
वन माइनस जेड स्क्वायर, यानी हो जाएगा वन माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, फिर रुको, अगर तुमने वेरिएबल बदला है तो इन दैट केस लिमिट्स भी बदलेगा, है या नहीं? तो लिमिट्स कैसे बदलेगा? देखो, जब लिमिट जीरो है किस चीज का, थीटा का लिमिट जीरो, तो जब थीटा इज इक्वल टू जीरो तो जेड क्या होगा, जेड हो जाएगा कॉस जीरो यानी वन, इज इक्वल टू कॉस जीरो यानी वन। और जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू जो अपर लिमिट, तो जेड क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू यानी इक्वल टू जीरो। इसके मतलब क्या हुआ, दो चीजें हुआ, एक तो है ये कि इंडिकेशन का फॉर्म थोड़ा सा बदल गया, ऊपर से क्या हो गया ना इसका लिमिट्स भी बदलेगा, तो क्या हो गया वन से लेके जीरो, वन से लेके एक्सक्यूज मी सर, इज इक्वल टू माइनस टू पाई आर क्यूब, इंडिकेशन जेड, इंडिकेशन डी जेड वन से जीरो, माइनस जेड स्क्वायर डी जेड वन से जीरो, is equal to minus 2 pi r cube। सुन रहा है? वो वेटिंग रूम में और भी है सर, कहते हैं वेटिंग रूम में एक तो हां ठीक है, मैं देख जीरो माइनस वन और माइनस जीरो क्यूब बाय थ्री माइनस वन क्यूब बाय थ्री, सॉल्व करो देखना बड़े आराम से आ जाएगा 4 by 3 by r cube, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 2 by 3 minus 2 by 3 और minus 2, तो मिलके 4 by 3 by r, ठीक है? ये इसका प्रोसेस हो गया। अब देख प्रोसेस, यानी बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया, हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना। अभी और भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। तो इसी बहाने में क्या हो गया कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी शुरू कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना चाहिए, देयर इज नो वेल डिफाइंड आंसर एज सच, इट इज जस्ट दैट थोड़ा सा क्वेश्चन देख के डिसाइड करना पड़ता है नंबर वन, और कुछ केसेस में हाउएवर कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, वो मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं भी इसको मिटा देता हूँ तब तक। जैसे कहीं पे अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं एक्स इक्वल टू tan थीटा, ये जनरली एक सब्स्टिट्यूशन का एक कॉमनली यूज है मतलब। और अगर 1 माइनस x स्क्वायर होता है तो इन दैट केस x इक्वल टू sin थीटा और x इक्वल टू cos थीटा, ये जनरली कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशंस के अंदर आता है, ठीक है ना? देख लो अच्छे से, आई होप नाउ आई कैन रब इट ऑफ, एक बार देख लो अच्छे से। तो हमने क्या किया यहाँ पे, z इज इक्वल टू cos थीटा यूज करके और अपना प्रोसेस पूरा सब्स्टिट्यूशन वाला यूज करके फाइनली फाइंड किया इंटीग्रेशन का वैल्यू। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन का एक मेजर यूज पता है क्या है, इंटीग्रेशन का एक मेजर यूज होता है एरिया निकालना, ठीक है ना? तो जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, दैट इज सपोज आई से that there is a curve which is y is equal to x square, ध्यान से सुनो, y is equal to x square, ठीक है? इसको सपोज मैंने ग्राफ में कन्वर्ट किया,
ये इसका एरिया भाई, देखना वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये बनता है। और क्वेश्चन इज दैट मैंने एक और लाइन भी बनाया, मैंने एक और लाइन भी बनाया एंड दैट इज वाई इज इक्वल टू टू एक्स, ठीक है। तो फाइंड द एरिया enclosed between them, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो निकाल, ठीक है, क्विकली फाइंड आउट। अगर मकर से दैट सर पहले वाला मेथड ज्यादा ठीक है, एग्रीड बेटे, ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्रिक के तरफ जाते ही चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और अगर एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल टाइप का हो तो हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, पॉलिनोमियल आएगा ही, तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक के रास्ते से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक था वो था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बट ऐसे टॉपिक हमेशा नहीं मिलेगा, कई बार ऐसे होंगे कि तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक के ही एक्सप्रेशन मिलेंगे और उसी को यूज करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बट एनीवे ज्यादा तो जो है 80-90% क्वेश्चन इन्हीं दोनों सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है, देख लेना कि 80-90% क्वेश्चन में इन्हीं दोनों सब्स्टिट्यूशन से ट्रिगोनोमेट्री में हो जाता है एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड। ऑब्वियसली मैथ्स तो एक बहुत बड़ा समुंदर है, मैथ्स में तो कम से कम ऐसे 25 सब्स्टिट्यूशन तुम लोग सीखोगे, बट मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर जो ट्रिगोनोमेट्रिक वाले टाइप के होते हैं उसमें देखना इन्हीं दोनों से हमारा 80% से ऊपर काम चल, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। तो जो क्वेश्चन वाज दैट फाइंड आउट द एरिया बिटवीन y = x² एंड y = 2x, इसके बीच का एरिया को निकाल, ठीक है। तब तक मैं ये मिटा देता हूं, एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा। ओके, इसका आंसर आ चुका है, यशु अग्रवाल ने फटाफट आंसर दे दिया, एंड दैट द एरिया इज इक्वल टू 4/3 यूनिट्स, ठीक है। आई एम जस्ट सॉल्विंग इट, ओके okay, एक ही आंसर है अभी तक 4/3, ठीक है ना। तो और अगर आंसर एक आधा और आंसर आने देता हूं फिर मैं करता हूं इसको सॉल्व। ओके आंसर अब आ गया है, अंश अग्रवाल ओम पाठक सबने दे दिया 4/3। देखो सबसे पहली बात इसमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे प्रेफरेबली क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए y = x और y = 2x। y is equal to 2x वाला लाइन कुछ ऐसे हो, यानी बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग इन दोनों सेक्शन का एरिया, ठीक है ना, यानी इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ y is equal to 2x माइनस एरिया ऑफ y is equal to x square। तो उसके लिए लिमिट्स पता होना चाहिए, तो एक लिमिट तो नोन है, एक लिमिट तो ये बन गया है ना, दूसरा जो लिमिट बनेगा वो बनेगा ये वाला, एक ये। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा ना, तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी x स्क्वायर इज टू एक्स, तो क्या होगा x इक्वल टू टू होगा, यानी x इक्वल टू टू आ गया, बस यानी हो जाएगा इक्वल टू, देयरफॉर फाइनली मुझे निकालना क्या है, तो एक और भी है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इंटीग्रेशन 0 से 2 y इज इक्वल टू 2x, तो उसके लिए क्या होगा 2x इंटू dx। याद रखना इंटीग्रेशन में जो एरिया होता है वो होता है y dx, याद करके देखो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये y है उस जगह का तो इसके एरिया क्या होगा y dx, फिर इसके बगल वाले का भी y dx, फिर इसके बगल वाले का भी y dx, फिर इधर वाले का भी y dx, इधर वाले का भी y dx, तो ऐसे y dx y dx y dx y dx करके ऐड करते जाते हैं तो टोटल एरिया आता है, तो वही चीज मैं कर, ठीक है ना, तो 2x dx
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो से लेके, तो ये तो हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू यानी एक्स स्क्वायर जीरो से लेके टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो से लेके, ये तो हो गया फोर माइनस एट बाई थ्री ठीक है. So therefore the answers given by Yashu, Ansh and Om is very very correct. But I'm only worried about one thing is that kayo ne na already differentiation integration already padh ke aaye hain, to unke liye to aasan hai I know, but what I'm interested in is that that everybody should understand, chahe wo dusre school se aaye ho, chahe wo naye ho, chahe wo topics kar rakhe ho chahe nahi kar rakhe ho. So therefore if others are having a problem to mujhe batate ja, in classroom mein kya hota hai na ki hum log थोड़ा टहलते हुए देख लेते हैं कौन कर पा रहा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो नए हैं और मान लो ये टॉपिक्स नहीं करके आए हैं ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो गया इनिशियल. तो मेरा भी इंटेंशन नहीं है कि इसलिए मैं कोई ज्यादा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो मैथ्स में करोगे. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंटीग्रेशन का फायदा क्या है. फायदा है एरिया निकालना, और एरिया ऐसे ही निकलता है, कोई हाई फाई कुछ नहीं है. और फिजिक्स में जो मैथ्स आएगा वो उतना हाई फाई आता है ना, उसका अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स पार्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो देयरफॉर इनको डरते हुए मत सीखो, इनको इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी से सीखो. सो देयरफॉर द अदर्स हु आर नॉट रिस्पोंडिंग आई वुड लाइक टू नो कि अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज अगर प्राइवेट में मैसेज करना है तो प्राइवेट में बता दो. देखो जैसे एक आगे पार्ट ने पूछ लिया, प्लीज एक्सप्लेन ही किया, बिल्कुल सही बात, ऐसे ही पूछ लिया करो ठीक है ना, घबराओ मत. देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि मुझे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन देम. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसका ग्राफ तो यही होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक है वाई इज इक्वल टू एक्स. तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया एरिया बिटवीन द टू. अब मैं कह रहा हूँ एरिया बिटवीन द टू निकालने का क्या तरीका हो सकता है. एक हो गया कि वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाले का एरिया और उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर लो, ये वाला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एरिया है ना, y इज इक्वल टू टू एक्स के एरिया कहां तक निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, दोनों का वैल्यू बराबर, यानी मैं लिख दूंगा एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. चलो अब मैं ये निकाल देता एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x square is equal to 2x, yani x equal to 2r. और एक और तो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर ही रहा है, इसलिए लिमिट सेट हो गया 0 से 2. देखो 0 से 2 ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ये है 2 कॉमा 4. तो खैर हमें 4 वाले से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंस है 2 तक, क्योंकि x equal to 2, क्योंकि लिमिट x का होता है. तो 0 से लेके 2 y is equal to 2x का एरिया, और उसमें से इतना पार्ट अगर माइनस कर लो जो पैराबोला का एरिया y इज़ इक्वल वाले का एरिया, तो इन दैट केस क्या होगा, एरिया इनक्लोज बाय द 2 आ जाएगा. तो इसलिए वो माइनस करके आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 4y. ठीक है पार्थ, इज इट ओके नाउ, ये बस चेक कर लो, नहीं तो पूछ सकते हो कोई दिक्कत. अच्छा मैं इस y इज़ इक्वल टू x² को कंटिन्यू करो, ये वाला एक और कांसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज figures born out of revolution. Yes, part one sir, could you understand ये वाला इसमें जो मैंने दोबारा explain किया, या अभी भी कोई doubt है तो पूछ लो. बराबर figures born out of revolution, ये तो y इज x स्क्वायर है, मैं इसको y एक्सिस पे रिवॉल्व करा देता हूं. मतलब क्या, ये जो फिगर है ना y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये देखो इसको मैं h हाइट तक ड्रॉ करता हूं, और इसको घुमा देता हूं ठीक है ना. या फाइंड आउट दी वॉल्यूम,
ये है वही y गुना x स्क्वायर, ये जो है और इसका हाइट x दिया हुआ वॉल्यूम सॉरी चलो ओके ठीक इसका हाइट x दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा इस वन में मैंने क्या किया ये जो फिगर था ना y = x square इसको बस ऐसे करके घुमा दिए तो यू गेट व्हाट इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलॉइड ये शेप का नाम है बाय द वे दिस इज कॉल्ड एज पैराबोलॉइड चलो ठीक है अभी एक आंसर आ गया है एंड दैट इज फ्रॉम यशु तो लेट मी सी इफ अदर्स आर गेटिंग द सेम आंसर आदित्य ने भी आंसर दे दिया एंड दैट इज एक्चुअली आदित्य तुमने आंसर x के टर्म्स में दिया है तो सब कुछ ने h के टर्म्स में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर ठीक है x के टर्म्स में आंसर भी कोई गलत तो नहीं होता है बट क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ h गिवन है और कुछ नहीं गिवन है और उसका इक्वेशन गिवन है तो गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ h ओनली ठीक है और कोई बात व्हाट अबाउट अदर्स बेटे बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्योंकि आंसर बहुत कम आता है सिर्फ आंसर आया हुआ यशु और आदित्य से बाकी क्या कर रहे हैं अंश तेवातिया अनुषा अरियन अर्णव ओम पाठक आयुष भव्य देहम देव ध्रुव दिवेज गर्व गौरांग हर्ष हर्षित और भी बहुत सारे तो इसका पहली बात तो अगर मैं y डिस्टेंस दू ये लेता हूं तो सपोज ये x है तो ऑब्वियसली ये जाएगा x कॉमा y यानी इसका जो रेडियस है वो x है
और इसका जो थिकनेस होगा वो है सपोज थिकनेस है सपोज डी वाई, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा इसका डिस्क का एरिया विच इज पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन, है ना। इस बार है पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वाई को एक्स के टर्म्स में लिखो या तो एक्स को वाई के टर्म्स में लिखो, बात एक इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। आदित्य ने आंसर को जो है चेंज करके दे दिया, चलो इट्स नो इशू। अब देखो एक्सक्वायर का एक फायदा है, क्योंकि एक्सक्वायर का फायदा क्या है, देखो कि क्योंकि y इज इक्वल टू x2 यानी इक्वल टू पाई y dy इंटीग्रेशन लिमिट्स, y का लिमिट क्या होगा, जीरो से h, दैट्स इट, जीरो से लेके ठीक है। तो ये क्या हो गया फिर, ना इक्वल टू